चावल लून बड़ा सा बड़े खाते ने कौन इतने खाते कौन जी प्यारी जगह। और पहली दफ़ा ये आया था मैं काफ़ी एक्साइटेड था सुन के कि मैं यहाँ जा रहा हूँ और मैं आज यहाँ पे आके बिल्कुल धूप भी है काफ़ी मुश्किल रास्ता लेकिन इसके बावजूद मुझे ज़रा भी थकावट नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद क़लीम और तुसां देखदे हो यूट्यूब चैनल अपना कश्मीर। नाजरीन मैं उम्मीद करना कि तुम सारे हैरो हैरियत रहो सो अल्लाह पाक ने सो अमानी सो। नाजरीन अज अस मौजूद है रामकोट किले पर, एक बड़ा तारीखी ते मशहूर किला आ जिसने बारे असें एक पिछली वीडियो बनाई सी उसी असर जगह नहीं पहुंची सके से पर अज इत्थे एक मैं तुसें दस्सिया सा कि इतवार वाले दिन प्रोग्राम उसी के अज प्रोग्राम अज इत्थे आए मैं ते बड़े बड़े यूट्यूबर इत्थे हज़रात ही इकट्ठे होए ते होर काफ़ी बड़ी तादाद इत्थे अवाम मौजूद ही अस उस पार उत्ते मछुए भी ते रहा रहे हूँ उपर महफिल जा रही है आवाज़ आई है अस उपर चल सकते रामकोट किला दसा। इसकी तारीख है कि 16वीं-17वीं सदी तकरीबन जो बादशाह गुजरे उन्होंने तमीर कराया था पर और आजाद कश्मीर काफ़ी सारे किले पर सारे किले मुख्तलिफ किले आया तो जो उस तौर बादशाह गुजरे उन्होंने इसकी तमीर कराई बराला इसकी तमीर की हैगी अस उपर जी दसा पर इस वक्त उसके बाद इस किले पर कोई तवज्जो नहीं दी गई जिसकी वजह से थोड़ा हूँ खंडन मां बनी गया उपर जी तुम्हें पूरा किला दसा तो वीडियो पूरी तकनी। हाँ जी नाजरीन तो तकने सो के पीछे शेरखानी महफिल जा रही है तो लोग उत्थे मौजूद है और कुछ लोग अगे पिछे घूम ही फिरी रहे इस साइड तो तकने सो के नीचे कितना खूबसूरत है लकी लाया सी किस तरह तमीर किया गया मैं तुम्हें दसना और आस पास ने बह के मेरे में सारे मनाजर बनाए हुए इस टाइम में मैं जा रही हूँ उपर और सारा किला घूमने फिरने कैसा किला है तकने तुम कि दसने खूबसूरत किला हाँ जी नाजरीन अस किले की मौजूद है रामकोट किले ही मौजूद हैं इस तो पीछे तकने सो के मंगला डैम नज़र आई रहा है नीचे से इतों लोग तकने सो के नीचे से लोग अद्धे ऊपर आई रहे थे नीचे जा ही रहे अस इस साइडू आए तो फैजान साहब उस साइड कैमरा मारसो गए तुम तकने सो के अस जी पिछली एक वीडियो बनाई सी अस उस पार तुम्हें पहाड़ी नज़र आई रही उसी अस उस पहाड़ी पर से अस उस पहाड़ी से राह ना अच्छी सके से क्योंकि उस वक्त असें कोई मछुआ नहीं सा मिलया लेकिन अज काफ़ी बड़ी तादाद है वहाँ मौजूद ही मैं तुम्हें दस्या सा कि काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर हज़रात इतना लगा टी वी चैनल इतना आए हुए और काफ़ी बड़ी तादाद इतने अवाम मौजूद ही इसलिए तकरीबन मैं तुम्हें दस्या कि 16वीं-17वीं सदी ने इसलिए किला है उस दौरान बादशाह से जेडे उन्होंने उसकी तमीर की सी आजाद कश्मीर ने और काफ़ी सारे किले लेकिन इसलिए किला सारे किले को मुख्तलिफ किला है तो काफ़ी मजबूत किला है तुम तकने सो के फैजान साहब इस साइड कैमरा मार सो के तुम तकने सो के कमरे बनते हुए साइड और दीवारें इसलिए जो उस तरह मजबूत दीवारें हैं अजकल मकान इतने मजबूत नहीं होने पर इस किले तुम तकने सो के जो उस तरह मजबूती किला उस तरह खड़ा है। हाँ जी नाजरीन अस किले मौजूद हैं इतने असें एक भाई साहब मिले इसलिए पार पाकिस्तानी साइड आए हुए इन्होंने पूछने के इन्हें इतने अच्छी कैसा महसूस होया पहले नौ पूछने फिर और बाकी गल्ला करने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भाई जाना आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम राजल शान है। आप कौन सी जगह से आए? जी मैं जेलम से आया हूँ। जेलम से आए तो आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया और दूसरा यहाँ पे आके बहुत बहुत खुशी हो रही है और मालूम हुआ कि गखड़ों की एक तारीख है इतना बड़ा विरसा है और ये फ़ख्र है कश्मीर के लिए भी पाकिस्तान के लिए भी कि इतनी बड़ी साइड जो छुपी हुई है तारीखी वो एकदम ज़ाहिर हुई है। अभी इसमें जो इनकाद हुआ है ये बहुत बड़ी एफर्ट है इन लोगों की और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन लोगों का जिन्हें रागब किया लोगों को और हमें भी इस तरफ आएँ ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर यहाँ पे आएँ और सैर कर सकें इस बेहतरीन मुकाम की। जी मेरे भी यही मशवरा है कि आप लोग भी आएँ बहुत खूबसूरत शानदार जगह। जी पहले आपने इसका इस किले का नाम सुना था या पहली मरतबा आपने सुना है और यहाँ आएँ? नहीं सच पूछें तो मैं खुद गखड़ हूँ और मुझे शर्मिंदगी इस बात की ये मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है खुद भी और मैं फ़र्स्ट टाइम आया यकीन माने वन साइडेड लव जैसे कहते हैं वन साइडेड लव हो गया मुझे इस जगह से बहुत प्यारी जगह है और पहली दफ़ा ये आया था मैं काफ़ी एक्साइटेड था सुन के कि मैं यहाँ जा रहा हूँ और मैं आज यहाँ पे आके बिल्कुल धूप भी है काफ़ी मुश्किल रास्ता लेकिन इसके बावजूद मुझे ज़रा भी थकावट नहीं हो रही। अच्छा आप इस किले की मजबूती के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? ये इतना मजबूत किला है और उस दौर का ये मजबूत किला है आपको इसकी मजबूती देकर कैसा महसूस हो रहा है? आज़ाद कश्मीर में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जलजले हुए हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इमारतें मुतासर हुई हैं लेकिन इस किले पर कोई असर नहीं पड़ा। जी जी क्योंकि ये जैसे तारीख में बताया जा रहा है एक तो इसकी तारीख 900 साल और दूसरी कुछ तजाद ज़रूर हैं कि 600 साल या कुछ लेकिन फिर भी आप अगर देख लें तो ये किला माशाल्लाह
अदम तवज्जो के बावजूद, क्योंकि कई लोगों को कुछ अर्से पहले तक बिल्कुल पता नहीं था इसका, लेकिन इसके बावजूद अपनी जगह पे खड़ा है और चारों तरफ से इसके पानी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत मजबूती से खड़ा है और जल्जला का भी इसका ऊपर असर ज़रूर हुआ है लेकिन इतना नहीं। लेकिन फिर भी मैं हुकूमत से अपील करना चाहूँगा, चाहे वो कश्मीर की हुकूमत हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, ये विरसा है, लोग इसे देखने आएँगे, आप इनसे करोड़ों लाखों रुपये की आमदनी वसूल कर सकते हैं, टूरिज़म आएगा बाहर से, अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से रखें, सेटअप करें इसका, इसको बेहतरीन तरीके से रखा जाए, और मुझे यकीन है यही आपको अगर यहाँ पर लाख लगे हैं तो यहाँ से करोड़ों का मुनाफा भी आएगा टूरिज़म के ज़रिए, और बाहर से टूरिज़म आएगा सिर्फ पाकिस्तान से नहीं इंशाल्लाह जी। आपका भी एक चैनल, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले आए हुए, जियो न्यूज़ वाले हमने देखे हैं, इस वाले से क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर पहली मरतबा ऐसा प्रोग्राम रखा गया और इतनी ज़्यादा मीडिया वाले आए, इतने ज़्यादा बड़ी तादाद में वाम आई है? जी बिल्कुल, ये फ़र्ज़ था हम सब का कि यहाँ पर आते जितना अपना हिस्सा हो सकते हैं उसको डालें, उसको प्रमोट करें, क्योंकि ये साइट दुनिया की नज़रों छुपी हुई है, इसे सामने आना चाहिए ताकि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुशी महसूस कर सकते इस जगह पर आके, क्योंकि ये जगह ही ऐसी इतनी शानदार है। अब जो बात रह गई इसकी अदम तहफ़ की, इसकी मज़ीद देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप देख चुके हैं कि कुछ दीवारें काफ़ी टूट चुकी हैं और कुछ के तो छत ही नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए कि इनकी मरम्मत की जाए ताकि ना लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आके खुशी महसूस करें और उनके लिए रास्ता आसान हो जाए आगे से। हाँ जी नाजरीन, तुम भाई साहब ने गलत सुनती हैं, तो भाई साहब यह है कि हुकूमत ही चाहिए ना कि सर तवज्जो दें, तो तक ही सकने हो कि यूट्यूबर हज़रात इकट्ठे हुए हुए थे, इतने बिरयानी चली रही है। हाँ जी हाँ जी, अतीक भाई इतने बिरयानी चली रही, कोई ऐसे ही भाई नहीं दे कल्याँ कल्याँ जी जी हजरत, गल तो इस तरह नहीं है, वो आने जो मुकदरा में होना वो लभना, अस ड्रोन डालने साले जितने भी भ्रा साढ़े को रे, तुसा इतू नठे हो इस तरह, जिस तरह आई ना तुसा कुछ इतना वो जिस नहीं जिन गायब हो जाने अक्का, तुसें भेजा जाओ वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करो, तुसा लब्भे को मैं बड़ा ड्रोना लोड़िया आ, बाकी यह है कि हूँ खाली है पेवे हूँ खाओ फिर सर भाई कैसा है तक असि भाई नसीबा इसे अगले आने खुद लपड़ाए चावलों राश साहब एक कंडी छोड़ी दी थी, क्या वजह जी कंडी तुसा नहीं सुखी सी खाई ने पली जाई माई दस आवाज पहली फटी हुई, मैं कंडी ना खाए ना और फटी जाए कोनी जी चंगी जने वाली आवाज जने वाली होनी ना, यहां थोड़ी सुरली जी तुसा नहीं क्या मर्जी कुड़ियां वाले गोश्त खाना गोनिया भी पसंद नहीं, ये गोश्त है नहीं, ये कुकुड़ा के चुचाया चुचाया खाई ओड़ो सुना जी चने पता को नहीं होना जी ना नहीं दस पसंद नहीं मिले ए ना सर छोया कलंबो वाले आ आया कलंबो वाले भी आए जी इधर साले नाल शर्माने बवे ना श्रीलंका से भाई स्पेशल ना करे ने जी जी फरमाओ कुछ जी सबो असन का बा तुसा इथे आयो तो कैसा महसूस कीता ने बड़ा अच्छा महसूस होया ए चावल ने लूण बड़ा सा बड़े खादे ने कौन इतनी खादी कौन जी नसीबा जी है बची जे खाने खाई गिनो असल तुसा ने नसीब नहीं सही क्या हाल जी अतीक भाई थोड़े नॉर्मल से थोड़े जे नसीब माड़े होने कई दफा नसीब बनाने पेने असा सर मिली तो नहीं खाद त्रै डब्बे छां बंदियां खाधे हूं दसो जी हूं बहुत जी ओ छोड़ी गए एक दो बंदे और भी आखे से लेकिन की चावल पसंद नहीं सर 92 वाले भी साढ़े ना खाई गए चावल की भी खवा ले जियो की खवा ले हूं AR वाले लोने कोई लभी जा की खवा ली होना और नहीं मिले जनाब जो मिली जाने ना कोई करा हाँ जी नाजरीन अस इस किले पर मौजूद हैं, तुसें पूरी वीडियो तक उसी मैं उम्मीद करना कि तुसें वीडियो पसंद आई उसी पूरा किला तक दे कि कितना मजबूत किला है, तो इतने अरसा हो गया जब अला किला उसी तरह मजबूत है, पर थोड़ी बहुत इतनी दीवारों के अपरू छत गिरे पर इतने ज़्यादा इला मुतासर नहीं होया, इस जगह सिर्फ एक परेशानी है कि इतने रास्ता कौन अस भी आए तो मछुए भी तो अस आए इस जगह पहुंचे हाँ पर और इतना कोई रास्ता नहीं है छा पहले उस दौड़ के तकरीबन इतने रास्ते मौजूद हो सुन लेकिन उसके बाद मंगला डैम बनता जिसकी वजह से इस किले रास्ता बंद हो गया तो हूँ असें अच्छे मछुए
फिर आए हैं। तो और वैसे ली के अगर सैर तफरी इस जगह कोई इंतजाम किए जाए तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है ली। तो इस सैर में तुम्हें पूरी अली वीडियो बनाई थी दसी है कि मैं उम्मीद करना कि तुम्हें वीडियो पसंद आए। तुम तक क्या कितना बड़ा अला किला सा तो इसी किस तरह इसी डिज़ाइन किया गया था कितनी मजबूती इस किले की बनाया गया। अगर इस जगह कोई हुकूमत इंतजाम करा तो बहुत अच्छे टूरिज्म प्लेस बननी है। तो इस जगह से एक रास्ते नहीं कोई रास्ते नहीं दुशवारी है। तो मैं हुकूमत अगर अपील करना कि हुकूमत इतना कोई शे लिफ्ट लै जा कोई ऐसा इंतजाम करे जिसकी वजह से इतना लोग अच्छी सकन अली तारीखी जगह तकी सकन। काफ़ी सारे दोस्तों की इसके लिए बारे की मालूमात भी नहीं सी जिस तरह तुम भाई साहब ने गलत सुनतियाँ भाई साहब भाई के अला एक तारीखी जगह तो मिकी भी नहीं सा पता अला हुकूमत प्रोग्राम रखा है। बहुत अच्छी गल ही कि ऐसे इतना प्रोग्राम रखे जान ताकि इतना अवाम अच्छा था अवाम अली एक तारीखी जगह तक है। हूँ मिकी दो इजाजत नई वीडियो मुलाकात हो सी। अल्लाह हाफिज।